मटन कबाब। तो साइज देखो यार, साइज क्या है इसका? ओहो भाई, कम से कम 1 फुट तो होगा ही होगा। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई आज मैं आया हूँ जम्मू के जगती वाले लोकेशन, भाई जहाँ पर आपने तारीफ की थी परसलाम के ढाबे की मटन चावल की। भाई ये तो मशहूर अपने खट्टा मीट के लिए भी है, तो इनके पास और भी बड़ी सारी वैरायटीज है, देखते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है आज। तो मटन चावल ट्राई करने से पहले मैं यहाँ का लैंडमार्क और यहाँ का एड्रेस शेयर करता हूँ कि एक्जैक्टली ये ढाबा कहाँ लोकेटेड है। ये है जी परसलाम जी का ढाबा। तो ये जो एरिया जी ये कहलाता है जी जगती, और जो बिल्कुल आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो जी IIT जम्मू है। तो ये जम्मू कटरा नेशनल हाईवे है। मैं थोड़ा बाहर आके थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो रास्ता जाता है जी मेरे लेफ्ट साइड पे, ये जाता है जी आपका सीधे कटरा के लिए, श्रीनगर के लिए। और जो ये रास्ता है जो टूवर्ड्स अपना IIT के और है ये वाला, तो ये जाता है जी आपका जम्मू के लिए। तो ये है जी अपने परसलाम जी का ढाबा। तो इनका जो एड्रेस वगैरह मैं सब वो डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, अगर मैप लोकेशन मिल गई तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बैठने के नाम पे भाई साहब जो एरिया है, देखो जी इन्होंने बाहर भी अपना काउंटर लगाया हुआ है जी बैठने खाने के लिए। भाई सर्दियों में अगर बंदा बाहर बैठ कर खाना खाए तो मज़ा ही कुछ हो रहा है, धूप खिली हो भाई, वाह। अंदर भी इनका रेस्टोरेंट है, देख लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट है बैठने के लिए। तो ये है जी इनका रसोई एरिया, भाई वाह। भाई रसोई में घुसते ही ऐसी खुशबू आती है कि बंदा कहता है यार बस अभी अटैक कर देंगे खाने के ऊपर। तो भाई ने इधर पेड़े वगैरह लगाए हैं, इधर तंदूरी फुलके रेडी हैं, और जो मीट वगैरह है सब रेडी पड़ा हुआ है, भाई वाह। दोस्तों मैं खुशबू जो है ये है जी राणा चिकन, अरे वाह देखो यार, क्या फ्लेवर की खुशबू आ रही है सच में। ओहो भाई साहब, ये है जी परसराम जी जिसके लिए अपने बहुत मशहूर है खट्टा मीट। भाई जैसे बताया आपको इनकी जो शॉप है सिटी में भी है, बट हाईवे पे खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। भाई साहब ये है जी यखनी। भाई यखनी मैंने लास्ट टाइम वहाँ ट्राई नहीं की थी, मैं यहाँ पर यखनी जरूर ट्राई करूंगा। भाई वाह भाई वाह, मजा आ गया। देखिए तो इसमें क्या है जी, मटन कोफ्ता है। दोस्तों ये है जी मटन कोफ्ता। ओहो कोफ्ते कहाँ चले गए, बल्कि हम लेट हो गए आज, माल खत्म। अरे वाह भाई वाह, भाई ये डिशेस बनी पड़ी हैं, भाई खुशबू तो जबरदस्त। और ये रहा जी यहाँ पर तंदूरी चिकन, भाई वाह। तो दोस्तों भट्टी के ऊपर भाई रोगन जो है वो लगा हुआ है, भाई ओहो जबरदस्त जी जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया देख के। मेरा नाम मोनू है, मैं परसराम जी का पोता हूँ। थर्ड जनरेशन जो है वो ढाबे को चला रही है। तो फर्स्ट ब्रांच जो है हमारी वो पंचतीर्थ में है, तोंतली बाज़ार। और सेकंड ब्रांच है वो मेरे चाचा जी हैं, वो त्रिकुटा नगर में रेलवे रोड पे। और ये थर्ड ब्रांच जो खोली है मैंने, ये जगती हाईवे IIT कॉलेज के पास खोली है मैंने। ये इसको कोई 1.5 साल के करीब हो गया है। मीट में ऐसी क्या चीज़ है जो कि जम्मू को के लोगों को ऐसा स्वाद वो लगा हुआ कि भाई सिवाय परसराम के और कोई नाम दिमाग में आता ही नहीं खट्टा मीट के लिए, ऐसा क्या है? ये कोई अपने दादाजी का आशीर्वाद ही मिला हुआ है हमें कि वो खट्टा मीट बनाते हैं। ये मसाले हमारे घर सीक्रेट पॉसिबल नहीं है, सीक्रेट नहीं है, रोज लेते हैं और रोज फ्रेश मसाला पीस के डालना, उसका फ्लेवर अलग है। जो पाउडर लेके रख के दादा एक ये कच्चे मसाले लो पीसो आराम से, रोज फ्लेवर उसका अच्छा आएगा। अब क्या बताएं, हम तो कोई 30-40 साल हो गए हैं। पहले वो धौंतली में करते थे जब परसराम जी खुद से करते थे बनाते थे, और अब ये इनके बच्चे बड़े अच्छे बहुत बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि तो जम्मू की शान है। तो सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको परसराम जी का? परसराम जी का खट्टा मीट तो एक है इनकी यूनिक चीज़ है। इसके अलावा कोफ्ते यखनी सब भी बनाते हैं, कोफ्ते भी सब भी बनाते हैं, ये भी इनको अच्छे बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे तो हम पिछले 20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, पहले ये रेस्टोरेंट वहाँ पे होता था पकड़डंगा में, तो वहाँ हम खाते हैं। तो अब यहाँ इन्होंने नया बनाया, तो हम यहाँ पे आउटिंग भी हो जाती है और यहाँ पे घूमते फिरते खाना भी हो जाता है। तो सब कुछ ही अच्छा है इनका, मीट से लेके यखनी खट्टा मीट कोफ्ता सब कुछ अच्छा है इनका। चटनी कौन सी है? ये अनारदाना की। अरे भाई जम्मू की जान अनारदाना, भाई जिसके लिए तो मैं हमेशा फ्लेवर दिया होता है। हाँ धोने वाली है। दोस्तों कबाब देख लो यार, कबाब का साइज देखो यार। ओहो हो ये चिकन है, ये चिकन कबाब, ये मटन कबाब। दोस्तों साइज देखो यार, साइज क्या है इसका? ओहो भाई कम से कम 1 फुट तो होगा ही होगा। अब लगी जी मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा, अब भाई से कहते भाई लगा दो हमारे लिए अब खाना। भाई मेरे मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है।
तो दोस्तों मोनू भाई अपने लिए लेके आया हमारे लिए जी खट्टा मीट और ये यखनी भाई, जिसके लिए बहुत ही मशहूर है भाई। देखो यार वाह भाई वाह। तो दोस्तों अब हम खाएंगे इत्मीनान से इसको बाहर बैठ के, यार अंदर बैठने का मज़ा नहीं आएगा, हम तो भाई बाहर बैठेंगे हाईवे साइड पे। दोस्तों लीजिए आ गया जी अपना थाली। भाई थाली देख के ना मेरे मुँह में ब्लास्ट हो रहा है, सच में कह रहा हूँ भाई। आप ये यखनी देख लो, हाँ ये खट्टा मीट देख लो अलॉन्ग विद राइस और अलॉन्ग विद भैया बटर नान। आज तो दिन बनने वाला जी परसराम जी के ढाबे के ऊपर। तो आप पहले साइज देख लो यार, देखो जी किस तरीके से ये मीट काटा गया हुआ है। देखो देखो आप देख रहे हो भाई, वाह ये देखो, ये देखो जी, ये देखो क्या पीस है यार। और भाई साहब ये है जी खट्टा मीट। भाई जो खुशबू आ रही है वो तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे भाई, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे एज यूजुअल, मैं अपने हाथ से खाना खाता हूँ, चमचे से भाई मीट खाया तो क्या खाया। तो सबसे पहले भाई साहब हम देखेंगे कि इनका जो मीट का पीस है भाई वो कैसा है खट्टा मीट का। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने इनके पास पहले भी एक बार खट्टा मीट ट्राई किया था इनके वो उस वाले ढाबे पे जो पंचतीर्थ वाला ढाबा था, जो आपने बहुत लाइक की थी वीडियो। तो आज मैं मेरे भाई ने कहा था कि भैया आप हाईवे पर भी कोई वीडियो बना दो जहाँ पर अच्छा मीट मिलता हो खाने को। तो आज सब ने कमेंट किया था भैया परसराम जी। तो आओ देखो यार, देखो यार थोड़ा सा डुबोएंगे इसमें ग्रेवी में, देखते हैं क्या फ्लेवर आएगा। भाई अब अल्फाज कब तो पढ़ने ही है, वो तो आप सब जानते ही हैं भाई। टेस्ट आउट ऑफ वर्ल्ड है, आउट ऑफ वर्ल्ड। देखो पहली बाइट डाल के क्या होगा, जब मैं अभी पहली बाइट डालूंगी मीट की, मैं और डाल रहा हूँ एक बाइट से क्या मन पड़ता है यार। सबसे पहले खटाई, जो खटाई है ग्रेवी की भाई वो आप फील करोगे। उसके बाद जो मीट का फ्लेवर है भाई साहब वो तो अपने दे ही रहा है। अब मैंने पूछा भाई कि रेसिपी क्या यूज़ की गई है, क्या डाला गया हुआ है, भाई वो थोड़ी ना बताएंगे तो फिर काहे की ऑथेंटिसिटी। तो अब हम देखेंगे भैया टेस्ट क्या आने वाला है मीट का चावल के साथ में। पहले थोड़ी ग्रेवी भी लेंगे यार साथ में। ओहो गजब मजा आने वाला भैया, गजब मजा। देख लो क्या ग्रेन्स है, इतने लंबे ग्रेन्स है यार, प्योर बासमती चावल। भाई मजेदार। दो चीज़ें महसूस करोगे इस खट्टा मीट में, वो क्या करोगे जब आप ग्रेवी लोगे चावल के साथ में, तो मुझे ऐसे मालूम नहीं पड़ा इसमें, मतलब खटाई तो मालूम पड़ी बट इसमें खासियत और भी है, इसमें ना थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, धुएं की खुशबू। क्योंकि रीज़न उसका ये है कि ये बनता है भट्टी भट्ठे के ऊपर, जो जो चूल्हा होता है ये खाना उस पर बनता है, तो वही रीज़न है कि ये जो फ्लेवर है ये क्यों आया। भाई मज़ेदार फुल का जो है, जब मैं रखता हूँ थोड़ा साइड पे क्योंकि यार मटन खाने का मज़ा ना राइस के साथ ही आता है। अब आता है यखनी, यखनी की बारी आती है। अब यार यखनी का पीस देख लो यार, देखो देखो मुझे पहले लगा कि ये हड्डी है, भाई हड्डी नहीं है ये भी मीट ही है। भाई पहले ग्रेवी पियेंगे इसकी यखनी की। ओहो भाई लाजवाब है, सच में लाजवाब। मैं और पीना चाहूँगा। दही में जो फ्लेवर आ रहा है जी मसालों का, धनिए का, इलायची का, बड़ी इलायची का, वो फूट फूट के कह रहा है भैया मैं बहुत ही लाजवाब हूँ। अपना सॉफ्ट है यार, मैं मज़ा आ गया। अब मैं थोड़ा सा मौन रखता हूँ क्योंकि मौन करके थोड़ा खाने का स्वाद लेंगे कैसा है। भाई खट्टा मीट जो है ना, सच में कह रहा हूँ यार, बहुत जगह खाया हुआ है पर नहीं
भाई परसराम जी का जो खट्टा मीठा ना यार, पता नहीं कि इसमें क्या चीज़ जादुई चीज़ मिलाई है उन्होंने, जो टेस्ट इतना शानदार है इसका। हाँ हाँ, थोड़ी इसकी ग्रेवी पीऊँगा मैं यार। खटाई, वो दूने की खुशबू, स्मोकी फ्लेवर की खुशबू, भाई मज़ा आता खाने का यार। लेकिन जितना स्वाद चावल के साथ आता ना, उतना फुलके के साथ नहीं आता। बेबी ये मैं, ये मेरी सोच है, मे भी आपको अच्छा लगता हो, पर मुझे पर्सनली मुझे केवल चावल के साथ ही मीट खाना पसंद है। तो दोस्तों भाई बात आती है प्राइस की, क्योंकि हमें को ऑफ कैमरा खाना है तो आप क्लोजिंग मार देते हैं। तो जो ये मेरी प्लेट आपने देखी है, जिसमें राइस था, एक फुल्का था, एक बड़ा पीस यखनी का था और तीन पीस खट्टा मीट के थे, ये पड़ना चाहिए आपको 320 का। भाई रेट कितने सस्ते रखे हुए हैं हैं। और अगर आपने केवल खट्टा मीट और राइस लेना होगा तो भाई खट्टा मीट जो है जिसमें तीन पीस होते हैं वो पड़ेगा आपको 140 का और राइस अलग से 30 रुपये का, तो यानी कि 170 का। यार 170 में आपको खट्टा मीट मिल रहा है, वो भी तीन पीसेस, और क्या चाहिए। तो दोस्तों कभी भी, जब कभी भी जम्मू कटरा हाईवे पे आओगे आप या कभी श्रीनगर जा रहे होंगे, तो भैया परसराम जी के पास जो मैंने डिशेस ट्राई की हैं आप ये ज़रूर ट्राई करना। और भी बड़ी सारी डिशेज हैं, कोफ्ते वगैरह भी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।